हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। सो आज हम फिजियो का टॉपिक पढ़ेंगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ CVS दैट इज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। सो हम पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो ये लेटरल प्रेशर है, मतलब बाहर की साइड का प्रेशर है जो ब्लड कॉलम ऑफ द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज, मतलब ब्लड फ्लो के थ्रू जो वॉल ऑफ द आर्टरीज पे जो लेटरल साइड फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। सो ये आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को हम चार टाइप्स के डिवाइड करते हैं, सॉरी दैट इज सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, पल्स एंड मीन आर्टेरियल। सिस्टोलिक, सिस्टोलिक मतलब मैक्सिमम प्रेशर ऑन द आर्टरीज। सो ये होता है 120 mm ऑफ HG और इसकी रेंज होती है इन बिटवीन 110 टू 140 mm ऑफ HG। देन द डायस्टोलिक दैट इज मिनिमम प्रेशर, ये होता है 80 mm ऑफ HG एंड इसकी रेंज होती है 60 टू 80 mm ऑफ HG। देन द पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मीन, मतलब सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक डिफरेंस इन दोनों का। सो ये होता है 40 mm ऑफ HG। एंड देन लास्ट वन इज मीन आर्टेरियल प्रेशर। सो ये एवरेज प्रेशर होता है। सो इसको हम कैलकुलेट करते हैं डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर। सो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर 80 प्लस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर, सो टोटल आएगा 93.3 mm ऑफ HG। ये नॉर्मल वैल्यूज़ हमने सब में ली है, हमें ये सब वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू आर ब्लड प्रेशर हमें यहाँ पे लिखनी होती है। ओके, नाउ द फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस। सो पहले एज, तो BP इंक्रीज एज एज एडवांसेस, जैसे जैसे अपनी एज बढ़ेगी वैसे वैसे BP बढ़ता है, जैसे कि हम देखते ही है हमारे घर में दादा दादी। देन द नेक्स्ट वन इज सेक्स। सो बिफोर मेनोपॉज मोर इन मेल बट आफ्टर इट इज इक्वल। मेनोपॉज के पहले मेल में ज़्यादा होता है बट आफ्टर मेनोपॉज मेल एंड फीमेल में इक्वल होता है। द नेक्स्ट वन इज बॉडी वेट दैट इज मोर इन ओबेस पर्सन, ओबेस पर्सन में ज़्यादा होता है ब्लड प्रेशर। देन द डायुरिनल वेरिएशन, मतलब मॉर्निंग में लो होता है और नून में ज़्यादा होता है। देन आफ्टर मील, तो आफ्टर मील ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है फॉर फ्यू आवर्स। देन ड्यूरिंग स्लीप, सो ड्यूरिंग स्लीप ऑल एक्टिविटीज़ आर रिड्यूस, सो इट इज़ ऑल्सो ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो रिड्यूस अप टू 15 to 20 mm ऑफ HG। देन इन इमोशनल कंडीशन लाइक इन एक्साइटमेंट और एंगजाइटी इट इंक्रीजेज। आफ्टर एक्सरसाइज मॉडरेट इंक्रीजेज, मॉडरेट एक्सरसाइज की तो सिस्टोलिक इंक्रीज होगा और डायस्टोलिक नॉर्मल रहेगा, बट हमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है तो सिस्टोलिक इंक्रीज होगा और डायस्टोलिक कम हो जाएगा, ये इसकी खासियत है। ओके थैंक यू गाइज, दूसरे टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके थैंक यू गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू, बाय बाय।